स्वागत है आपका। देखिए नवोदय क्लास सिक्स के लिए हम कुछ क्वेश्चन लगा रहे थे, प्रैक्टिस सेट। शुरू करते हैं आज। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर एक है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1595 में खरीदी। इसने इसके परिवहन पर 345 रुपये खर्च किए। इसे 10% लाभ पर बेच दिया। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या? विक्रय मूल्य निकालना है। निकाल लोगे? देखो कैसे निकालें बता दें। विक्रय मूल्य आपको निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब SP। खरीदा कितने में? 1595 में। इतने में खरीदा। अब इस पर मरम्मत पर कितना खर्च किया? परिवहन पर 345 ऐड कर दें। इसमें कितना ऐड करना है? 345। 345 ऐड करने के बाद में कितना आ गया? ये 1940। हम जोड़ेंगे कितना आ गया? 1940। ठीक। अब इसे बेचना 10% लाभ पर। कितने लाभ पर बेचना है? 10% लाभ दे दें। 110/100। कैलकुलेट करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? 2100। यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही है। कैलकुलेट करें और बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दो। देखो इस तरह के सवाल भी मिल जाते हैं। एक साइकिल का अंकित मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है? MRP दे रखा है। अंकित मूल्य दे रखा है कितना? 1850। कितना? 1850। इस पर बट्टे दे दिए गए छूट। छूट या बट्टा या कमीशन एक ही बात होती है। बट्टा दिया गया कितने का? 50% का, फिर 40% का। दो बट्टे दिए गए, विक्रय मूल्य पूछा है। तो आप दो बट्टे दे दो। बट्टा कैसे दोगे? 100 में से 50 घटाओगे कितना बचेगा? 50। 50 बट्टे में कितना? 100। और 100 में से 40 घटाओगे कितना बचेगा? 60। 60 बट्टे में 100। इसे कैलकुलेट करने के बाद में क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। इसे कैलकुलेट करने के बाद में क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद बताओ जरा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आया? जल्दी बताओ कितना आया? तीन पंजे 15, तीन अट्ठे 24 और एक 25 और तीन एकम 3 2 5। 5 5 5 है। ए वाला ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या बोला? देखो क्वेश्चन नंबर तीन ये बोला, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 704 रुपये। क्या बोला? विक्रय मूल्य 704 रुपये है। यदि 20% छूट पर बेचा जाता है तो अंकित मूल्य पूछा। आपके क्या दिया है? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य नहीं दिया है। छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। छूट काहे पर देंगे? अंकित मूल्य पर। हमने बोल लिया अंकित मूल्य कितना है? X है। इस पर छूट दे दी कितने की? 20% की छूट दी है। कितनी? 20। तो 100 में से घटा के लिखेंगे 80/100 और विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये क्या चीज़ आ गई? विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य कितना है? 704 रुपये। कितना? 704। कैलकुलेट करके x का मान बताना, यही अंकित मूल्य आएगा। कैलकुलेट करके क्या बताना है? x का मान। तो कितना आगा? जल्दी बताओ। 880। देखो एक बार चेक कर लो। 8 से काटेंगे, 8 8 64, 6 8 8 8 64। 10 से गुणा हो जाएगी, कितना आगा? 880। सी वाला इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन में दिया है, कह रहे हैं कि एक रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य 6720 रुपये है। यह 28% छूट पर उपलब्ध है। छूट देनी है। कितना विक्रय मूल्य दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है ये भी 6720। अंकित मूल्य निकालना है। क्या निकालना? अंकित मूल्य सेम वैसे ही था जैसे अभी किया है। 28 घटाएंगे 100 में से कितना बचेगा? 72/100। एक्स की वैल्यू निकालिए, अंकित मूल्य इसका आ जाएगा। तो इस सेट में अंक लाभ हानि के सवाल थोड़े ज़्यादा रख दिए दो, वो इसलिए जो थोड़ी चीज़ें आपको आ जाएं। आसान सेट बनाया है, आप लोग आसानी से इसको निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका कमेंट करके आंसर बताओ कितना आता है। क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला, देखो साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज का सवाल हर सेट में, हर एग्जाम में मिलता है। पिछली बार नहीं आया ना, तो हर सेट में आता है। क्या बोला? 3000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2/5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? तो कैसे निकाल दें? मूलधन कितना दे रखा आपको? 3000। मूलधन गुणा दर, दर कितनी है? 6
गुणा में समय कितना, 2/5 वर्ष, 2/5 वर्ष, बट्टे में 100, बट्टे में कितना 100, बराबर क्या आगा, ब्याज आगा। इसे कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आगा, ब्याज आगा। फार्मूला आपको पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, इसका ब्याज निकाल लेंगे। कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करने के बाद में आंसर बताएं इसका कमेंट करके कितना आता है। निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोला क्वेश्चन में, देखो बोला एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, 3 वर्षों में इसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, वार्षिक प्रतिशत दर बताना है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, काय पर भाई, साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, 3 वर्षों में इसका साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है। आप जानते हैं मूलधन गुणा में दर, गुणा में दर गुणा में समय, समय कितना 3 वर्ष, बट्टे में 100, और साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो गया, ये ब्याज ही तो आया, और ये ब्याज कितना हो गया 3/5 हो गया, मूलधन जो एक्स था इसका कितना हो गया 3/5। बस इसे कैलकुलेट करना है, इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे करें, देखो ये कटेगा, दर निकालनी है, 3 से 3 भी कट जाएगा और इधर चला जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 100/5। 100/5 का मतलब कितना हो गया 20%, यानी 20% इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ए वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। कर लोगे, आसानी से हो जाएगा, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या बोला, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, बोला पहले एक सही 1/2 घंटे के लिए ट्रक की चाल 90 किमी प्रति घंटा, उसके बाद ट्रक की चाल 70 किमी प्रति घंटा थी, 310 किमी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक, यानी कितना चला, 1.5 घंटा चला, 1.5 घंटा चला कितना 90 से, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय 1.5 घंटा चला देंगे। 1.5 घंटे का मतलब क्या हो गया, 2 एकम 2 और 1 3 3/2, 3/2 समय, 3/2 घंटे, 3/2 घंटे क्या है समय आपको निकालना है, क्या निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी है 90 किमी प्रति घंटा, दूरी आपको निकालनी है, समय कितना है 3/2, 2 ऊपर पहुंचेगा, गुणा में आ जाएगा ये 90 गुणा में कितना 3/2, इतने किमी की आ जाएगी दूरी आ जाएगी, जो 90 से चली, 45 आगा कट के, 45 दिया कितना हो गया 100, 3 × 5 = 15, 3 × 12 और 1 = 13, 135 किमी दूरी चल ली उसने, 135 चली 90 से, उसके बाद चली कितनी 70 किमी प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, अब ये बताओ 70 किमी प्रति घंटे से बाद चली तो बची कितनी, टोटल कितनी थी 310, टोटल कितनी थी 310, 310 दूरी थी तो बची कितनी हमारे पास, 310 में से घटा लो, ये माइनस कर लो, कितना बचा 310 में से, अगर इसको माइनस कर लोगे, देखो 310 में से माइनस कर लेंगे कितना बचेगा, 5 और 7, 175 बची है, 175 किससे चलनी है 70 किमी प्रति घंटे की चाल से, तो 175 दूरी को चला दो किससे, 70 से, भाग कर लें, भाग करने के बाद में कितना आया, भाग करने के बाद में कितना आया, देखो काट लो, 70 दूनी कितना होगा 140, कितना बचा 45, 45/70 और काट लो 5 से 14 बार कटेगा, ये आ गया 2 सही 9/14, 2 सही 9/14 घंटे ही आया, 1.5 घंटा ही आया। ठीक, कुल समय जो लग जाएगा 1.5 घंटा पहले लग चुका है और 2 सही 9/14 घंटे ये लग चुके हैं, तो टोटल जोड़ लो, और टोटल जोड़ने के बाद में शायद इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 और ये भी जोड़ोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन में है ना, इनमें से क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं आंसर बन जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे, इस वाले समय को जोड़ना है और 1.5 घंटा ही पहले लग चुका है, इसे जोड़ना है तभी तो कुल समय निकलेगा, तो ऐसा जोड़ोगे तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कितना है 8, 8 में क्या बोला, देखो 8 में क्या कहा, ये बोला
एक दिन में एक मजदूर 125 रुपये कमाता है, इस आमदनी में से 68 सही 1/2 रुपये खाने पर, 20 सही 3/4 रुपये चाय पर और 16 सही 2/3 रुपये अन्य खर्च करता है, उसके पास अब कितने रुपये बचे? देखो क्या बोला उसने, उसने ये बोला कि 125 रुपये कमाए उसने, इसमें से खर्च कितने कर दिए? कितना लिख लें यहाँ से सीधा, ऐसा ना लिखें, गुणा कर लें, 8 × 2 = 16, देखो गुणा कर लो, 2 × 8 = 16 और 2 × 6 = 12 और 1 = 13, 138 आया, 136 आया और एक ये जोड़ दिया 137, 137 बटे में कितना? 2। पहली वाली हल करके ये आई, उसके बाद में कितना खर्च किया? 83 बटे में कितना? 4। और फिर कितना खर्च किया? 16 × 5 = 80 और 2 = 82। बस इन्हें घटा देना इसमें से, इन्हें क्या कर देना? माइनस कर देना। आप एलसीएम लेके कर लो या कैसे भी कर लो, इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो ये कितना आया हल करके बताओ जल्दी से, आप एलसीएम ले लो 20 इसका, इसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद में कमेंट करके आंसर बताएं इसका कितना आता है। इसका एलसीएम लेके जोड़ना है और इसे 125 में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्या बोला 9 में? ये बोला 3 सही 1/4 और 2 सही 5/6 के अंतर में क्या जोड़ें? क्या 5 प्राप्त हो? देखो कैसे करेंगे, 4 × 3 = 12 = 13, 13 बटे में कितना 4, 5 × 6 = 12 = 5 = 17, 17 बटे 6। इसमें क्या जोड़ें? इनके अंतर में क्या जोड़ें? इनके अंतर में क्या जोड़ें जो कितना प्राप्त हो? 5 प्राप्त हो। x जोड़ दें जो कितना मिल जाए? 5 मिल जाए। पहले तो अंतर कर लो, ठीक है, 12 एलसीएम ले लो तो 13 × 3 = 39 हो जाएगा, 12 एलसीएम लोगे, 4 × 3 = 12, 13 × 3 = 39 39 हो जाएगा, ठीक, माइनस 17 × 2 = 34 बटे में कितना? 12, 12 तो एलसीएम लिया था। ये एलसीएम लेना आता होगा, जिसे नहीं आता वो एलसीएम की क्लास सीख ले, छोटी बेसिक क्लासेस सीखे, जब सेट हल कराया जा रहा है तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये मान के कराया जा रहा है। प्लस में कितना है x, बराबर में कितना है 5, देखो कितना बचा होगा ऊपर, 5 बचा ऊपर, कितना बचा? 5 ऊपर बचेगा, 5 नीचे कितना? 12 प्लस में कितना x, बराबर में कितना 5। देखो x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर 5 माइनस 5/12, 12 × 5 = 60, 60 − 5/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 55/12। तो कितना जोड़ना चाहिए? 55/12, 12 से और भाग कर सकते हो, 12 × 48, 12 × 4 कितना हो गया? 48 बचेगा कितना? 7, यानी डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। बात समझ में आ गई होगी, आप इसे अपना आप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, इसमें क्या बताना? आरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? आरोही, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, सही है, छोटे से शुरू करना है बड़े तक लिखना है। तो आरोही क्रम में कौन सा वाला सही है आपको यही बताना है, इन्हें क्या लिखना? आरोही क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है? तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो एलसीएम लेके कर लो आप, ठीक है, या तो एलसीएम लेके देख लो। एलसीएम लेके कैसे देखेंगे? एलसीएम लेके कितना आएगा इसका एलसीएम, जल्दी बताओ? 60 आ जाएगा, 15 × 60, 15 × 60, 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 28, 30 × 60, 9 × 2 = 18, 12 × 5 = 60 और 24, 20 × 60, 13 × 3 = 39। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटे शुरू करना है, सबसे छोटा कौन सा है? दूसरा वाला, ये वाला, ये वाला क्या है? सबसे छोटा है। तो यानी इसमें कौन से शुरुआत हो रही है? इससे हो रही है, देखो इसके बाद कौन सा है? इसके बाद इससे बड़ा ये वाला है,
तीसरे नंबर वाला देखो ये है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। निकाल लोगे तो आप एलसीएम लेकर निकाल लें या फिर पॉइंट में भाग करके निकाल लें, ठीक है, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या बोला? 6 सेमी किनारे वाले घन को 2 सेमी किनारे वाले छोटे घनों में बांटा जा सकता है, कितने घन बनेंगे ये पूछना चाह रहा। तो 6 का क्या कर दें आप, इसका आयतन 6 गुणा में 6 गुणा में 6 बटे में छोटे वाले का 2 गुणा में 2 गुणा में निकल जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करने के बाद मैं आंसर बताओ कितना आता है? 27 आ गया। चलिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दे रखा है। क्या बोला? 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, एक छात्र ने उन्हें छोड़कर चला जाता है, शेष छात्रों की औसत आयु 0.1 वर्ष। देखो 20 छात्रों कितनी है? 15 वर्ष है, एक चला गया 19 रह गए, तो शेष छात्रों की औसत आयु 0.1 वर्ष कम हो जाती है। तो 15 में से क्या घटा दें? 0.1 घटा दो हैं, बस गुणा करके जो कर लोगे वो आंसर आ जाएगा, सही है। 0.1 को 1/10 भी लिख सकते हो, या आप जब घटाओगे तो 14.9 आ जाएगा। कितना? 14.9, यानी इस 19 की गुणा किससे कर लोगे? 14.9 से कर लोगे। तो पूछा क्या है? जाने वाले की आयु पूछिए, इसमें से ये घटा दोगे जाने वाले की आयु आ जाएगी, गुणा करके घटा लोगे कर लोगे गुणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या बोला देखो, क्या बोला? एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में रन औसत 23 था, 20 पारियां हैं, रन औसत कितना है? 23 है। देखो 20 पारियों में कितना है? 23 है, 20 में कितना है? 23 है। वह किसी पारी में कितने रन बनाए? किसी पारी में कितने बना ले? एक्स रन बना ले। टोटल पारी कितनी हो गई? 21 हो गई, जिससे उसका औसत कितना हो जाए? 25। कर लोगे कैलकुलेट? देखो क्या करना है, इसकी गुणा करनी है इससे, और ये गुणा करके घटा दोगे इधर, एक्स का मान आ जाएगा। क्लियर है? इस वाले की गुणा कर लेंगे कैसे? 25 की गुणा करेंगे 21 से, और इसमें से ये घट जाएगा कितना? 20 गुणा में 23। यही आंसर आएगा, यही क्या आएगा? आंसर आएगा, सही है, कर लेंगे ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखें, 14 में क्या दिया है। 14 क्वेश्चन में कहा एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 पारियों में औसत 52 है, 16वीं पारी के बाद उसका रन 1 बढ़ जाता है। देखो 15 पारी में कितना है? 52 है, और 16 में कितना? 1 बढ़ गया, 53 हो गया। घटा लेंगे इनका तो 16वीं पारी में कितने रन बनाए वो आ जाएगा, सही है। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 16वीं पारी में बनाए गए रन घटा लोगे तो क्या आ जाएगा? बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दियो, जो 16वीं पारी में रन बनाए वो निकल के क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है 15 नंबर में? बोला एक ट्रेन 51 किमी की दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लेती है, 221 किमी दूरी तय करने में, देखो चाल निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 51 किमी की दूरी है, कितना समय ले रही है? 45 मिनट, मिनट को घंटे बना लें, चाल आ गई। अरे दूरी बटे समय क्या हो गया? चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। फिर कह रहे हैं कि इतनी दूरी तय करने में, तो एक ही बार में निकाल दो, समय पूछा है, निकाल लोगे कर लोगे कैलकुलेट? समय काय में आएगा? घंटे में आएगा, सही है, काय में आ जाएगा, ये घंटे में आ जाएगा। अब दिया ना 3 घंटे 25 मिनट, ऐसे ही 3 घंटे इतने मिनट दिया है, तो ये घंटे में आएगा, निकाल लोगे आप, कैलकुलेट कर लोगे इसको। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या बोला 16 में? देखो 16 क्वेश्चन में क्या बोला, 16 में ये बोला एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल समान है, एक वर्ग और एक आयत है उसका क्षेत्रफल क्या है? समान है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 18 सेमी है, क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा कितनी थी? 18, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई निकल जाएगी, कैसे निकलेगी? 18 की गुणा किससे करेंगे? 18 से, और भाग कर देंगे इससे 12 से, इसकी क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी? कर लोगे
17 नंबर देखो, देखो कर लोगे इसको, हो जाएगा 17 नंबर देखो, 27 आ गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, बोला एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 3 अधिक है। बोला एक आयत है, लंबाई क्या है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के, चौड़ाई हमने क्या मान ली x, और लंबाई जो है इसके 2 गुने से 3 सेमी अधिक होगी। 3 सेमी में दिया हो या मीटर में कुछ ऐसा होगा, ठीक। तथा इसका परिमाप 42 सेमी है, ये सेमी छोड़ दिया, 42 परिमाप क्या होगा, 42 सेमी होगा। चलिए कोई बात नहीं, परिमाप का फार्मूला आप तुम जानते हो, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 42 है। यहाँ से निकालोगे कितना, 21 आ जाएगा, कितना 3 घट जाएगा उधर जाके, 18 बचेगा, 3x बराबर कितना 18, x बराबर कितना 6, x बराबर कितना 6, x का मान 6 आ गया, यानी आपको लंबाई कितनी मिलेगी, लंबाई तो ये है ना 6 × 12 = 18, 12 × 3 = 15, और चौड़ाई कितनी मिलेगी, चौड़ाई x है यानी चौड़ाई 6 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछा है, 15 × 90, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा यानी 90 वर्ग सेमी हो जाएगा, कितना 90 वर्ग सेमी। ये सेमी में दिया होगा या मीटर में, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ये सेमी में दिया होगा, तो 90 वर्ग सेमी, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में क्या दिया है, बोला 4500 रुपये 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, मिश्र धन पूछा, तो आप निकाल लोगे इसको कैसे, मूलधन कितना है 4500 रुपये, समय कितना है 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष, अर्धवार्षिक रूप से किए गए हैं, तो इसको दुगना कर लो, वार्षिक करना तो दर को क्या कर लें, दुगना कर लें, 2 वर्ष हो गए वार्षिक हो जाएगा, दर को दुगना कर लोगे तो कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी दर, कितनी 9, बस बट्टे में 100। ये क्या चीज़ आगी, ब्याज आगा, ये क्या आगा ब्याज, ये ब्याज आगा, इसे काय में जोड़ देंगे मूलधन में, 4500 काय में जोड़ देंगे इसको, ये जो ब्याज आगा इसे मूलधन में जोड़ देंगे, कितना आगा देखो निकाल लें एक बार, 18 की गुणा करेंगे, 18 × 5 = 90 और 18 × 72 = 9 = 81, 810 ये आया, इसे जोड़ देंगे कितना 4500 में, इसे काय में जोड़ देंगे 4500 में जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0, 1, 8, 5, 13, 4, 1, 5, 53, 10, इसका आंसर आ जाएगा, ए वाला क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्धवार्षिक से डरना नहीं है, उसे वार्षिक बना लो दुगुना करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो परिमाप निकालना है, आकृति है, परिमाप तो निकाल लोगे इसका, ये आकृति दे रखी है, ठीक। देखो पूरी यहां से यहां तक कितनी है, 12 सेमी है, ठीक, और 2 ये है 2 ये है, 4 हो गई, पूरी 12 सेमी दे रखी है, 12 ये हुई, ऊपर तक कितनी है 9, 9 ये हो गई, 9 के बाद में देखो ये कितनी है 2, 2 ये हो गई, और यहाँ तक भी 2 थी, ऊपर तक 9 थी, 7 ये बची, 7 के बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है ये 2, ये हो गई 2 ये 4, पूरी 12 थी, ये बची 8, तो ये कितनी बची 8, ऐसे कितनी बचेगी 7 ये बचेगी, ठीक है, और ये कितनी है, अरे भाई 2 थी, ये 2, 8 बची, दोबारा देखो इसे कितनी कितनी बची, पहले इसी पे लिख देते हैं, पहले इसी पे लिख देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी 12, ठीक, और यहाँ तक 9 ये लिखी है, ठीक, यहाँ तक कितनी है 2 है, यहाँ तक कितनी है, जब ये 2 है तो ये कितनी बची 7, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बच गई 8, 2 ये आ गई, सही है 9 ये, सारी चीज़ें मिल गई, अब कर लोगे, देखो जोड़ लें, 12 प्लस में कितना 9, प्लस में कितना 2, प्लस में कितना 7, प्लस में कितना 8, प्लस में कितना, ये भी 7 होगा,
प्लस में दो प्लस में नौ, सबको जोड़ लो, जोड़ने के बाद में जो आगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई बात, जोड़ने के बाद में क्या आगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आगा। एक आखिरी क्वेश्चन हो रहे हैं, इसे और देख लो कितना आता है। देखो इसमें क्या, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट ये कर दिया, का छायांकित क्षेत्र कौन सा वाला है, अंदर वाले की बात कर रहा है या बाहर वाले की, तो ये इस वाले की बात कर रहा होगा इसकी, ठीक है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले का घटा दो, बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटाते हैं। बड़े वाले की देखो भुजा कितनी है, आठ चौड़ाई है, लंबाई कितनी है, बारह है, ये बारह है और ये कितनी है, आठ है। और देखो दो यहाँ से दिया, यहाँ तक दो यहाँ से दिया, यानी इसमें से बारह में से दो कम कर लेंगे, दो इधर से दो इधर से कितना होगा, चार कम हो जाएगा आठ, और इसमें से एक एक कम कर लेंगे आठ में से, ये हो जाएगा छः, बस ये घटा लेंगे, आंसर इसका आ जाएगा। कर लोगे, करने के बाद बताओ कितना आया,